कोरोना न केवल प्रदेश में फैल रहा है बल्कि अब इस जानलेवा वायरस ने प्रदेशवासियों का जीवन भी लीलना आरंभ कर दिया है। अभी तक जिला सोलन में 133 मौतें हो चुकी हैं। स्वास्थ्य विभाग भी कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहा है। जहां एक ओर कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है, वहीं लोगों को कोरोना नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। सोलन के कंडा घाट में भी स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक गांव गांव जाकर लोगों को वैक्सीन के प्रति जागरूक कर रहे हैं। वहीं कंडा घाट अस्पताल में वैक्सीन लगाने का कार्य भी चल रहा है। यही जानकारी चिकित्सक पीएस नंदा ने दी। चिकित्सक पीएस नंदा ने बताया कि कंडा घाट में करीबन 50 लोगों को वैक्सीन लगाई गई, वहीं करीबन 40 टेस्ट भी करवाए गए। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण से केवल सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क द्वारा ही बचा जा सकता है। केवल एक व्यक्ति के जागरूक होने से काम नहीं चलेगा, बल्कि सभी को जागरूक होने की जरूरत है। लेकिन अभी भी पूर्ण रूप से लोग इन नियमों का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि अगर बेहद जरूरी कार्य है तभी वह घर से बाहर निकले, अधिकतर समय वह घरों पर ही गुजारे। उन्होंने कहा कि किसी से मिलते समय उससे करीबन 6 फीट की दूरी बनाकर रखें और हो सके तो डबल मास्क पहने। सिविल हॉस्पिटल कंडाघाट में हमने तकरीबन 50 लोगों को वैक्सीनेट किया, जिसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स भी थे और जिसमें जो कुछ एक वॉलंटियर्स थे और जो कुछ उसमें सीनियर सिटीजन्स वगैरह भी थे। आज भी यही देखा गया कि बढ़ चढ़ के लोग जो हैं वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं हॉस्पिटल में, और ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कोविशील्ड के बड़े मिनिमल साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो देखने में आ रहा है। सेकेंडली, आज हमने एंटीजन टेस्ट करवाया, रैपिड एंटीजन टेस्ट, जो कि तकरीबन 40 के आसपास हैं और उनके अभी रिजल्ट अवेटेड है। थर्डली, ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे हमारे अभी सर्च केसेस सर्ज हैं थ्रू आउट इंडिया एंड हिमाचल में भी है, तो जो वैक्सीनेट अपने आप को करवा रहे हैं वो भी अपना जो मास्क वगैरह है, मास्क नंबर वन, आपका जो मास्क है वो मास्क का प्रोटोकॉल आपने फॉलो करना ही करना है। अगर कोई कपड़े का मास्क लेते हैं वो डबल मास्क पहन सकते हैं, डबल मास्क पहने तो ज़्यादा बेटर है। नंबर दो, अपना सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह रखना ही है। सोशल डिस्टेंसिंग मतलब एटलीस्ट 6 फीट दूरी तो मिनिमम जो है वो आपने फॉलो करना ही करना है। ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं बाहर मत जाइए, अभी अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो तभी आप अपने मतलब घरों से बाहर निकलिए, और इस चीज़ को अगर आप फॉलो करेंगे तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। मैं तो ये भी ऐड करना चाहूँगा कि लोगों को, मेहमान अभी जो गेस्ट वगैरह हैं उनको कम से कम इनवाइट कीजिए, क्योंकि आप कोई ट्रैवल करके आ रहा है, कोई कहीं से ट्रैवल करके आ रहा है, कोई कहीं से ट्रैवल करके आ रहा है, हमें उनका स्टेटस नहीं पता, दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव है। थर्डली, है जो बुजुर्ग जो चाइल्ड हैं और जो बुजुर्ग हैं उनकी ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है, उनके उनके जैसे जो एडल्ट मेल्स हैं उनके कमरे में मत जाइए, उनके अलग आइसोलेशन में उनको जैसे है उनको रहने दीजिए। थोड़े से भी अगर खांसी जुकाम के सिम्टम्स आते हैं तो हॉस्पिटल में आके तुरंत अपना रैपिड एंटीजन टेस्ट हो, चाहे RT-PCR टेस्ट हो, जो हम रिकमेंड करेंगे वो करवा के आप उसके हिसाब से अनुसार से जो पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट जो भी आएगा उसके अनुसार से हम दवाई या रिकमेंडेशन जो भी होगा वो देंगे। थर्डली, ये चीज़ है जो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का है वो भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अभी इकट्ठे भीड़ में नहीं, एक जगह जाके इकट्ठे अगर हम एक ही कमरे के अंदर 10 लोग इकट्ठे बैठ जाएँ तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। और जो वेंटिलेशन है अपना रूम का, वेंटिलेशन वगैरह प्रॉपरली वो करें, डाइट अपना वेल हाइड्रेशन रखें, ल्यूकॉम वाटर वगैरह अपने आप को हाइड्रेट करके रखें। और सेकेंडली, ये चीज़ें स्टीम बहुत इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्टीम डेली लें स्टीम। और थर्डली, ये चीज़ है कि जो अपना स्टीम हो गया और साथ में गार्गलिंग हो गया, जो वेजिटेरियन डाइट है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें, डोंट टेक हैवी डाइट्स, 3-3, 4-4 जो मील्स है फ्रिक्वेंटली मील्स लीजिए आप। इसमें देखो छोटी छोटी चीज़ें हैं बट दिस विल हेल्प अस ए लॉट। ये अब ये सब लोगों को इकट्ठे बैठ के इस टाइम पे सब लोगों को ये चीज़ को सब लोगों को फॉलो करना है, एक आदमी को या दो आदमी को फॉलो करने से कुछ नहीं होगा। हम तो ये बोलते हैं कि अपील ये करते हैं कि जितने ज़्यादा लोग इसमें जुड़े उतना अच्छा है इसमें, और वो आगे से आगे इस जो मैसेज को आगे से आगे फॉरवर्ड करें।